हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर में गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट का जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से। ठीक है, आज हम लोग वही टॉपिक पूरा पॉलिसीज़ करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले। ठीक है, सचिवालय परीक्षा आप लोग के लिए क्या बोलते हैं, ड्रीम सब बन चुका है। ठीक है, उस ड्रीम को सबने पूरा करना है, अपना मेहनत कीजिए और अपने तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ देने का, जो एकदम डायरेक्ट टू हो बहु वही चीज़ आज जो यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करना में बिहार सीजन में हो चुका है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, झारखंड सीजन में भी देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। बाकी सब देखिएगा, सब बढ़िया चलेगा, टेंशन मत लीजिए। एक चीज़ आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सब चीज़ आपको करवाएंगे वहाँ पर। चलिए गवर्नमेंट का पॉलिसी देख लेते हैं आज हम लोग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सचिवालय परीक्षा में आपको 10 से 12 साल को करंट पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल का करंट अफेयर। ठीक है, जीके जीएस में जो झारखंड का जीके का है उसमें से 4 से 5 साल को करंट पे झारखंड का मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सेंट्रल करंट अफेयर ज़्यादा मेहनत कीजिए, इसमें अच्छा खासा स्कोर आप गेन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। और अभी तक आप लोग कंप्यूटर का पीडीएफ नहीं लिए दोस्तों, जरूर ले लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन हमें नहीं लगता, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक, सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट है, घटना चक्र से लेके बैंकिंग क्वेश्चन से लेकर सब चीज़ में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अरियंत क्वेश्चन, अरियंत बुक तो पढ़ने जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको कर लीजिएगा तो। ठीक है, इसलिए इस नंबर पर आप लोग चल ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे ले लिए हमें। ठीक है, चलिए। किस राज्य में लाडली बहन योजना शुरू किया गया? लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है बताइए। लाडली बहन योजना बताइए। तो लाडली बहन योजना कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये शुरू किया गया बताइए कहाँ पे? चलिए, तो ये शुरू किया गया आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम लागू किया गया? सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम लागू किया है कौन सा राज्य में, कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश होगा, सीएम लर्न एंड अर्न मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, क्या नाम है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कौन लागू किया ये बताइए। तो दूध के मामले में बताइए कौन सा इंडिया में सबसे टॉप, मतलब राज्य कौन सा है? अंडा के मामले में बताइए कौन सा, ये सब क्वेश्चन बनेगा आपको सीजीएल में। मांस के मामले में कौन सा है और ऊन के मामले में कौन सा बताइए। देखिए, दूध के मामले में उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक राजस्थान है भैया, राजस्थान है। ठीक है, अंडा के मामले में आंध्र प्रदेश है ये, मांस के मामले में महाराष्ट्र है और ऊन के मामले में भी राजस्थान। तीन चार पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, हो सके यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में डाल देगा शायद, क्योंकि बिहार का जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था, दो दो सवाल पूछा था। ठीक है, उस चावल का में कौन है आगे इस तरह का, तो इसमें इंपॉर्टेंट है दूध, अंडा, मांस और ऊन। चलिए, इसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन जो होगा ये उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? नमो शेतकरी महासम्मान योजना लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट विल द इंश्योरेंस स्कीम फॉर टोडी टेपर्स, देख सकते हैं टोडी टेपर्स भी इंप्लीमेंट, कहने मतलब है ये क्या है, ताड़े निकालने वालों के लिए। देखिए, टोडी टेपर मतलब ताड़े निकालने वालों के लिए बीमा योजना किस राज्य में लागू किया है? ताड़ी निकालने वाले के लिए बीमा योजना किस राज्य ने लागू किया है तो आपको बताना है। ये राज्य हो जाएगा आपका ताड़ी। ताड़ी किधर हो सकता है? साउथ में। साउथ में कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। ताड़ी से तेलंगाना। वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, वाह, एक पंचायत में एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, कौन सा राज्य ने इसको लागू किया बताइए? तो ये लागू किया आपका कौन? केरला इज द राइट आंसर, केरला। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हैव बीन कंप्लीटेड इन द ईयर 2023? वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके बताइए। उल्ट घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, या डायरेक्ट पूछ सकता था कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना किस वर्ष लागू किया गया था, लेकिन आपने घुमा के पूछ दिया कि कितने वर्ष पूरा हो चुका है। तो जिसको पता होगा तो वो कर ही लेगा, जिसको नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएगा। कब ये किया था? ये 2019 में किया गया था, यही तो बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में, तो 19/4/23 तक कितना साल पूरा हो गया? 4 साल पूरा हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ पीएम कुसुम योजना टिल विच ईयर?
केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है? पीएम कुसुम योजना बताइए। किस वर्ष तक बढ़ा दिया से बताइए। बताइए सोचिए और बताइए भैया क्या कर रहे हैं आप लोग। चल क्यों नहीं रहा भाई, बोर्ड ने बोर्ड पुराना हो चुका है एक्चुअली, यही बात है और कुछ बात नहीं है। चलिए जो भी है ठीक है। बताइए ये कौन सा होगा? वन पंचायत ये हो गया ना, बताइए ये हो जाएगा 2026 तक हो जाएगा ठीक है। कब हो जाएगा? 2026 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ पीएम कुसुम योजना टिल विच ईयर, अच्छा 2026 तक कर दिया गया था। पूछ सकता है स्टार्ट कब किया गया था ये, तो कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों? 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। कुसुम का मतलब क्या होता है? पीएम कुसुम योजना से पूछ देगा आपको मतलब क्या समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ठीक, सोलर पंप के थ्रू से। इलेक्ट्रिसिटी से याद रखना सोलर पंप। चलिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ इमिनेंस परियोजना शुरुआत की है? कौन से है? राजस्थान ने शुरू किया। कौन? राजस्थान सरकार। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, बताइए। अंधता नियंत्रण नीति का लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? कौन बन गया दोस्तों? राजस्थान। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए बताइए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया, ये स्टार्ट किया गया आपका त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में किया गया ठीक है, त्रिपुरा में किया गया था जी हाँ दोस्तों। ये बताइए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बताइए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस राज्य में एक वर्ष के लिए मुफ्त में चावल प्रदान किया जाएगा? विच स्टेट राइस विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वन ईयर अंडर स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, तो उड़ीसा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, कौन सा गवर्नमेंट हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। चलिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष किस राज्य में शुरू किया गया था? इन विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष बिन बी लॉन्च, क्या होगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इज द राइट, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए ये बताइए इन विच स्टेट हैज द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, हर घर गंगा जल कहाँ पे बात हो सकता है? बताइए किस राज्य में हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की गई है? ये हमारे झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉइंट एग्जाम में हो सकता है ठीक है। हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट कौन स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया अपना बिहार ठीक है, पड़ोसी राज्य बिहार ठीक है। ये बताइए मुख्यमंत्री लखपति दीदी स्कीम, अच्छा जी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, इस योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि उत्तराखंड सरकार ने किया है ऐसा काम। इसका आंसर बी हो जाएगा। बताइए वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, अच्छा ये कौन लॉन्च किया, किसने शुरू किया? वन नेशन वन फर्टिलाइजर, बताइए हु हैज लॉन्च द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? तो नरेंद्र मोदी, किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। ये बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पुदुमाई पेन योजना, किस राज्य सरकार ने पुदुमाई पेन योजना शुरुआत किया है?
क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए पीएम सीरी स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा पक्का है, देख लीजिएगा आप लोग, कोई भी एग्जाम जरूर बनेगा, जरूरी नहीं सीजन में कहीं भी एग्जाम दिए जाए देने जाइएगा ना, तो पीएम सीरी योजना वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। तो भैया बताना इसमें किससे रिलेटेड है पीएम सीरी योजना, बताइए प्रधानमंत्री सीरी का फुल फॉर्म क्या, SHRI, फुल इसका फुल फॉर्म पीएम, तो प्रधानमंत्री हो गया, SHRI मतलब क्या है इसका मतलब बताइए, SHRI स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो एडुकेशन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, एडुकेशन से रिलेटेड है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बताइए प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना टिल विल इच ईयर। बताइए कब तक, 2024 तक, 2024, अच्छा स्टार्ट कब किया गया था ये, तो 2019 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये भी याद रखना बात को। चलिए बताइए विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम ऑफ आंगनवाड़ी चिल्ड्रन, बताइए आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए अंडा और मछली शुरुआत किसने किया है, कौन सा सरकार ने किया, इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना है आपको, केरला सरकार ने किया, कौन सा, केरला सरकार ही कर सकता है ये सब काम, अच्छे अच्छे काम केरला सरकार करते हैं, ठीक है। चलिए किस राज्य सरकार ने बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया था, स्वर्णवीर नारी योजना, बताइए कर्नाटका, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्वर्णवीर नारी योजना, स्वर्णवीर नारी योजना शुरुआत किया थी असम सरकार, कौन सरकार, असम। चलिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्पेशल लोन स्कीम जीवला, किस राज्य सरकार ने एक विशेष ऋण योजना जीवाला शुरू किया है, बताइए किस राज्य सरकार ने एक विशेष ऋण योजना जीवाला शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अरुण पोल ऐप, तो नामे में छुपा हुआ अरुण पोल ऐप, क्या छुपा हुआ है ना, चलिए अरुण पोल ऐप क्या दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में ये लागू किया गया, इसमें क्या है ना कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूक पैदा करना कि पुलिस कैसा काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, ये काम यहाँ बताता है अरुण पोल ऐप जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। चलिए इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ ये बताइए 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामसर स्थलों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, अमृत धरोहर योजना, अमृत भारत योजना, उज्ज्वल भारत योजना, मिष्टी योजना, करंट पे पढ़ने पता चल गया होगा कौन सा योजना होगा इसका, अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना याद रखना, इसका पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बताइए पर्यावरण संरक्षण एवं गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल डंग, बताइए, तो गोबर का जिक्र किया हुआ देख सकते हैं आप लोग, प्रोटेक्शन और कहाँ गया कैटल डंग, तो गोबर की बात कर रहा है, इसका मतलब गोबर धन स्कीम, क्या होगा गोबर धन स्कीम इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। चलिए इसको बताइए 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए कौन सी योजना शुरू किया था, याद रखना मैंग्रोव बोला याद रखना आपको, ठीक है मिष्टी करके होगा इसका आंसर, तो मैंग्रोव बोला याद रखना मिष्टी, मिष्टी का फूल में पूछ देगा, तो चलिए जैसे यहाँ मिष्टी का फूल देगा MISHTI, मिष्टी का फूल एम से क्या होगा बताइए, एम से मैग्रोव, आई से इनिशिएटिव, फोर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, तो इसको एम से मैंग्रोव आपको याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है इसका आंसर यही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विच स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह इन द ईयर 2023 टू ट्रेन रूरल यूथ, ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, कैप्टिव एम्पावरमेंट इम्प्लॉयमेंट स्कीम इज द पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है
चलिए, भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत के कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया? पीएम जन विकास कार्यक्रम, पीएम पराक्रम योजना, पंडित श्रम योगी मंधन, पंडित मातृत्व बंधन योजना। पीएम प्रणाम योजना, ठीक है, पीएम प्रणाम। इसका देखो, पीएम प्रणाम जो है, पीएम मतलब इसका फुल फॉर्म में देख सकते हैं आप लोग, पीएम प्रणाम, पी आर ए एन ए एम, एन ए एम कहाँ गया एम, तो पीएम प्रधानमंत्री तो हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, आर्क मतलब रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, एन मतलब नॉरिशमेंट, एंड एमोल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, इसका आंसर यही होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बताइए, 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू मेक पीपल अबव 15 ईयर्स ऑफ एज अबव? बताइए, तो कौन सा चलू गया था? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, याद रखना, कौन सा? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे इन द ईयर 2023 टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइंस विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? बताइए, रेल स्किल डेवलपमेंट स्कीम, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम, भारत गौरव योजना, या फिर कुछ और ही? तो देखो, हाइड्रोजन को ज़्यादा चल रहा है आज के डेट में, ठीक है, तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम, इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2022 फॉर द क्लीनिंग ऑफ सेवर एंड सेप्टिक टैंक? केंद्र सरकार द्वारा 2022 में सेवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सा योजना शुरू किया था? श्रेष्ठ, नमस्ते, मिष्टी, उजाला। मिष्टी समय मैंग्रोव का था, तो इसका नमस्ते होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाए? नमस्ते, ठीक है। नमस्ते मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर मर्चेंटाइज सेंसेशन इकोसिस्टम, ठीक है, इसका नमस्ते दिमाग में रखना, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बस इतना रखना है, नमस्ते इज द राइट आंसर। ये बताइए, जल निकायों के संरक्षण के लिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? जल जन अभियान, बी इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना शुरू किया गया था? बताइए, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर स्कीम? स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर स्कीम, किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू किया है? बताइए, गोल्ड मेडल कितना देगा? गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़ रुपया, ठीक है, और सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ रुपया, और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ रुपया, ठीक है, याद रखिएगा, गोल्ड के लिए 2 करोड़, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़, और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़, ठीक है, तो कौन सरकार? बिहार सरकार, बिहार सरकार इज द राइट आंसर, सी। वेयर हैज द प्लास्टिक दो सोना लो स्कीम स्टार्ट? अच्छा, प्लास्टिक दो और सोना लो, प्लास्टिक दो और सोना लो स्कीम कहाँ पर चलाए गए? प्लास्टिक दो सोना लो, भैया अच्छी बात है, फिर तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया, तो कहाँ पे? सडी वारा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, प्लास्टिक दो और सोना लो स्कीम कहाँ चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर, दिमाग रखिएगा, ये स्टेट ये नहीं पूछेगा, सडी वारा आपको जम्मू कश्मीर काफ़ी है। चलिए बताइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरुआत किया? चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम, तो ये शुरुआत की हरियाणा सरकार, कौन सरकार? हरियाणा सरकार, स्टार्ट किया गया था ये प्रधानमंत्री योजना आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट किया गया था? तब प्रधानमंत्री जो आवास योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था, और जो चीफ मिनिस्टर आवास योजना जो कि हरियाणा सरकार द्वारा अब स्टार्ट किया गया, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अरुणोदय 2.0 स्कीम? अरुणोदय 2.0 स्कीम कौन शुरू किया है? इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1,250 रुपये प्रदान किया जाएगा, अरुणोदय, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अरुणोदय, तो असम सरकार, असम इज द राइट आंसर।
चलिए, विच स्टेट हैज स्टार्टेड स्टाइपेंड स्कीम, बताइए किस राज्य ने स्टाइपेंड स्कीम शुरू किया, केरला, असम, गोवा, पंजाब। तो कौन सा होगा, केरला इज द राइट आंसर, केरला पहला ऑप्शन। विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना, चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरुआत किया, गुजरात, पंजाब, केरला, एमपी। गुजरात, चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना जो स्टार्ट किया है ये किया है आपका, हाँ, मध्य प्रदेश किया, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरुआत किया है। अच्छा बात है भाई, ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा बताइए, केरला, असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला इज द राइट आंसर, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आसरा पेंशन योजना, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया है। बताइए आसरा पेंशन, इस योजना के उद्देश्य यही है कि कमजोर वर्ग के वृद्ध या विधवा या फिर निराश्रित एवं जनजातीय वर्ग के जरूरतमंदी को दैनिक न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है, याद रखना है, जैसे विधवा हो या फिर वृद्ध हो, विधवा हो या फिर कोई भी जनजाति क्षेत्र में हो टाइप के आदमी हो, उसको न्यूनतम ये आसरा देने के लिए आसरा पेंशन योजना शुरुआत किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कौशल्या मातृत्व योजना कौन स्टार्ट किया। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार, कौन सरकार, छत्तीसगढ़। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर सारथी योजना, ये अपन के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर सारथी योजना क्यों, किसमें क्या, चीफ मिनिस्टर सारथी में क्या, इसमें इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा, किसी को तैयारी वगैरह करना होगा तो निःशुल्क इसमें करवाया जाएगा तैयारी, चीफ मिनिस्टर सारथी योजना जो झारखंड सरकार द्वारा हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू किया गया था, चीफ मिनिस्टर सारथी योजना, ठीक है, कंपटीशन आप लोग निःशुल्क तैयारी करवाएगा आपको। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति कोचिंग स्कीम, देख सकते हैं ये अलग चीज़ है, अनुप्रीति कोचिंग स्कीम और मुख्यमंत्री सारथी योजना अलग चीज़ है, सारथी योजना मतलब झारखंड और मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम, ये किसने स्टार्ट किया, सेम चीज़ है जैसे बोला था, जैसे झारखंड में क्या था, चीफ मिनिस्टर सारथी योजना जो कि सेम असहाय लोगों को मतलब कोई भी बच्चे से पढ़ाई तैयारी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम क्या है इसमें, कि इसमें माध्यम इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर जो है छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रतियोगिता परीक्षा को लिए तैयारी फ्री में करवाया जाएगा, ठीक है, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम योजना जो कि राजस्थान सरकार ने चलाया है, कौन सरकार, राजस्थान सरकार, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम राजस्थान सरकार, और याद रखना आपको चीफ मिनिस्टर सारथी स्कीम झारखंड सरकार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर योजना जरूर देखिएगा, ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में भी डालेंगे और इसको पेड बैच में भी डालेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आंसर के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो टेलीग्राम जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जेएसएससी वाला इसको सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।